आज हम कुछ बदलाव के साथ आपके लिए दो शब्द वर्ड्स ऑफ द डे, दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स, दो नहीं एक फ्रेजल वर्ब और एक सेंटेंस ऑफ द डे, इस तरीके से हम चार चीजें लाए हैं आज आपके लिए, आपको शायद बहुत पसंद आएगा। माइंड ब्लोइंग, ये टेलीविजन में बोले जाने वाला, बहुत ज्यादा बोले जाने वाला शब्द है माइंड ब्लोइंग, जजेस के द्वारा बोला जाता है डांस कॉम्पिटिशन में, सिंगिंग कॉम्पिटिशन में, ये बोला जाता है माइंड ब्लोइंग। इसका अर्थ होता है प्रभावशाली, प्रभावशाली, शानदार, इसका अर्थ है द डांस ऑफ गोविंदा इज माइंड ब्लोइंग। गोविंदा का डांस बहुत प्रभावशाली है, बहुत अच्छा है, शानदार है। अब दूसरा शब्द भी आपको अच्छा लगेगा, थड, धड़ाम, इसका अर्थ है द बॉय फेल विद ए थड, लड़का धड़ाम से गिरा, लड़का धड़ाम से गिरा, ऊपर से कोई चीज गिरेगी तो नीचे आवाज होगी, तो आवाज के लिए है थड माने धड़ाम, द बॉय फेल विद ए थड, लड़का धड़ाम से गिरा। अब देखें कंफ्यूजिंग वर्ड्स, लाइटनिंग, लाइटनिंग आकाश की बिजली, आकाश की बिजली, लाइट माने होती ही बिजली है या प्रकाश है। द चिल्ड्रन फियर लाइटनिंग, बच्चे आकाश की बिजली, जब आकाश की बिजली कड़कती है तो बच्चे डरते हैं, और आजकल ये सेंटेंस इसलिए उपयुक्त है क्योंकि बरसात हो रही है, बरसात के दिन है। दूसरा शब्द है लाइटनिंग, वो भी बिल्कुल वैसा ही है, केवल ई का फर्क है। लाइटन माने हल्का करना, लाइटन माने हल्का करना, लाइटनिंग हल्का करना, लाइटन माने लाइटनिंग माने एक ही है, हल्का करना। माई सन हैज बिकम यंग एनफ, मेरा बेटा अब जवान हो गया है, काफी बड़ा हो गया है, ही इज लाइटनिंग माई बर्डन, अब वो मेरा बोझ हल्का कर रहा है, मेरे ऊपर जो बोझ है तरह तरह के खर्चे के, वो मेरा बोझ हल्का कर रहा है, काम का और धन का बोझ। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा, लाइटनिंग दोनों का उच्चारण एक, कंफ्यूजिंग तो इसीलिए कंफ्यूजिंग वर्ड एक से ही होते, केवल ई का फर्क है, हल्का करने वाले में ई लगेगा और आकाश की बिजली में ई टी के बाद नहीं लगेगा। अब देखें फ्रेजल वर्ब क्या है, फ्रेजल वर्ब पहला क्या है, पहला दूसरा ये एक ही लिखा है मैंने आज, ब्रिंग अप, ब्रिंग अप माने पालन पोषण करना, पालना पोषना, माता पिता बच्चे को बहुत प्यार से पालते पोसते हैं। द चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप विद ग्रेट लव, बच्चे माता पिता के द्वारा बहुत प्यार से पाले जाते हैं। द चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप विद ग्रेट लव, बहुत प्यार से बच्चों का माता पिता के द्वारा पालन पोषण किया जाता है। सेंटेंस ऑफ द डे, ये भी बहुत काम का है, आपने देखा होगा फर्स्ट यू वेस्ट द टाइम देन टाइम विल वेस्ट यू, पहले आप समय को नष्ट करें फिर समय आपको नष्ट कर देगा। देखें सेंटेंस छोटा सा लिखा है मैंने, लेकिन इसका अंदर का मीनिंग, अंदर का अर्थ, छुपा हुआ अर्थ बहुत अच्छा है। टाइम स्पेयर्स नन, वक्त किसी को बख्शता नहीं है, समय किसी को माफ नहीं करता, समय किसी को छोड़ता नहीं है। टाइम स्पेयर्स नन, वक्त किसी को बख्शता नहीं है। कैसे लगे मेरे ये दो शब्द, दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब, सेंटेंस ऑफ द डे? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। God bless you. Thank you very much.